हाँ जी, आज का हमारा वन डे टूर है, छोटा सा टूर है, लेकिन ये पीछे धुंध देखें और धुंध के क्या ही मज़े हैं। लेकिन ड्राइविंग भी बड़ी मुश्किल हो रही है धुंध में, लेकिन फिर मैं आपको अब दिखाता हूँ पीक डिस्ट्रिक्ट के सीन। आज हम देखेंगे पीक डिस्ट्रिक्ट और धुंध काफ़ी है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, दिन भी छोटा है, लेकिन एक दिन का टूर है, आज ही जाएंगे। अभी 8 हो गए हैं तकरीबन, हमने तकरीबन 2 घंटे से सफ़र कर रहे हैं और तकरीबन 2 घंटे का और रह गया, तकरीबन 2-2.5 घंटे का, उसके बाद हम पहुंचेंगे पीक डिस्ट्रिक्ट, 3-4 जगह वहाँ एक्सप्लोर करेंगे और आज ही वापस भी घर जाना है। एक दिन का टूर है तो दिन भी छोटा है, देखते हैं, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं आज हम पीक डिस्ट्रिक्ट। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. हाँ जी, तकरीबन हम पहुंच आए हैं, लेकिन बात ये है कि इधर अभी तक धुंध नहीं ख़त्म हुई। मुझे लगा था सूरज निकलेगा, धुंध ख़त्म हो जाएगी। ये सारा आप पीछे सीन देख लें कि हर तरफ धुंध ही धुंध है, सारी ड्राइविंग धुंध में, और शदीद किस्म की धुंध थी। पहले मैंने इधर पाकिस्तान में बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन इधर इंग्लैंड में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था धुंध का। एडवेंचर भी था और थोड़ी सी चिड़ भी चढ़ रही थी धुंध देख के, लेकिन अब ये आखिरी सर्विसेज पे रुके हैं, यहाँ सुसु वगैरह की है और अब हम डेस्टिनेशन नंबर 1 पे जाएंगे, लेकिन सारे सीन्स ना धुंध के हैं। We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors. Forever free. Sometimes you need to go. हाँ जी, पहुंच जाए डेस्टिनेशन नंबर 1 पे। ये देखें, उधर देखें, दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, इतनी धुंध, इतनी धुंध, सारे व्यू धुंध ने ब्लॉक किए हुए हैं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो अभी ये बस धुंध के ही मज़े लिए, हल्का सा दूर से डैम नज़र आया वो देखा, अब एक और जगह जा रहे हैं, वो यहाँ से 11 मिनट दूर है, धुंध वहाँ भी होगी, लेकिन देख लेते हैं कि उधर शायद कोई थोड़ा सा अच्छा व्यू नज़र आ जाए, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। इस धुंध में ड्राइविंग भी बड़ी मुश्किल है। ये पीछे डैम है और वो आप चेक करें कि डैम बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन अब आगे देखते हैं फिर क्या सीन है। अब धुंध हल्की सी कम हुई। ये मेरे पीछे जगह है डेस्टिनेशन, ये डैम का ओवरफ्लो है, यहाँ से पानी नीचे गिरता है अगर डैम में पानी हो। दूसरी साइड पे हमने देखा है तो पानी नहीं है, तो इधर में गर्मियों में ये सीन होता है कि इधर से वो ऊपर से पानी गिरता है, ये सारी दीवार ना पानी की नज़र आती है। वही देखने आया था, एक दफ़ा पहले भी आया था जब इस सीज़न के समर स्टार्ट हुआ था, तब भी नहीं, तब पार्किंग नहीं मिली थी यहाँ पर क्योंकि बैंक हॉलीडे था, और आज आया और आज डैम सूखा हुआ है और ओवरफ्लो नहीं हो रहा। लेकिन आप इमेजिन करें कि क्या सीन हो कि ये सारी दीवार पानी में कवर हो और यहाँ पानी गिर रहा हो वो नीचे, और क्या मज़े के सीन हो। धुंध अभी थोड़ी सी ठहरी है, अभी इधर लंच वगैरह करेंगे, इधर पास कैफ़े है, उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, वापसी करें
या पास एक और कोई जगह देख लें, क्योंकि अभी सिग्नल नहीं है तो देख नहीं सकते ये। लेकिन पीछे आप पूरे ना व्यू चेक करें, किला सा बनाया हुआ है, ज़बरदस्त है। धुंध थोड़ी सी कुछ व्यूज़ नज़र आए हैं और थोड़ा सा ना मज़ा आ गया। हाँ जी, उधर से हमने लंच किया, लंच में जैकेट पोटैटो वगैरह खाए और आप इधर आए हैं। हम ये पीक डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची जगह है, इसको कहते हैं स्नेक पास समिट। और यहाँ एक जगह के, यहाँ एक वर्ल्ड वॉर वन में या टू में एक जहाज़ क्रैश हुआ था, जो ना जंगी तैयारा फाइटर जेट, और वो जो है ना क्रैश साइट वो देखनी है। वहाँ पर अभी भी जहाज़ टूटा फूटा हुआ पड़ा हुआ है, वो देखने आए हैं। पहले एक दफ़ा मैं आ चुका था लेकिन गर्मी बहुत थी तो इधर थोड़ी सी हाइक करनी पड़ती है, तो अभी इधर जाएंगे। और थोड़ा सा आसमान नज़र आया और थोड़ी सी धूप भी वो पीछे नज़र आई, लेकिन अब थोड़ी सी धुंध कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, फाइनली कुछ सीन नज़र आ रहे हैं। तो ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं इस पीक डिस्ट्रिक्ट से। घंटा हो गया इसी पहाड़ों में चलते चलते क्रैश साइट ढूंढते हुए जहाँ जहाज़ टूटा था। अभी एक पीस नज़र आया है उस जहाज़ का, कोई रास्ता नहीं है, पानी, शूज़ फुल गीले हो चुके हैं। और ये मैं उस पीस के ऊपर बैठा हूँ, ये वर्ल्ड वार का जहाज़ का पीस टूटा हुआ है, आगे और भी होंगे, अब वो देखने जाना है। हाँ जी, फाइनली क्रैश साइट पे पहुँचाए। ये 1948 में यहाँ से एक रूटीन जहाज़ जा रहा था 13 बंदों लेके अमेरिका, और रास्ते में बादल ज़्यादा होने की वजह से, जो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये इधर क्रैश हो गया, ये कहते हैं कि उन 13 बंदों ने ये ग्राउंड भी कभी नहीं देखा हुआ था, सिर्फ वो एक रूटीन फ्लाइट से वापस अमेरिका जा रहे थे, तो इधर वो 13 के 13 भी जाते रहे और जहाज़ भी जाता रहा। और अभी तक तकरीबन 100 साल होने लगे, 80 साल हो गए तकरीबन, और इनके ना ये पुर्जे और इंजन के जन रेडिएटर वगैरह ना सारा कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। कार शायद कुछ अर्सा पहले ज़्यादा चीज़ें हों, लेकिन पानी से गल सड़ गई हैं। तो ये साइट देखने के लिए हम तकरीबन 2 घंटे की वॉक और हाइक करके आए हैं, और पानी भी नहीं लिया, पर ये था कि पास ही है, लेकिन अब ना पानी है ना कुछ है। ये साइड देख ली है, ये जहाज़ के पीसेस पड़े हुए हैं, अब हमने जाना है वापस 2 घंटे की वॉक करके, अब इधर से वापस अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ठीठा आज का टूर हो गया, कुछ जगह धुंध में शुरू हुए और अब सनशाइन आ गया, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। अच्छा दिन था, फॉग में धुंध में शुरुआत हुई,
और आहिस्ता आहिस्ता आप सूरज को देख लिया। आखिरी जगह थी एक रेड साइड, इधर देख ली। अब इधर सूरज डूबने वाला है और 4-5 घंटे की ड्राइव है और कुछ खाना भी है, तो इधर से आप चलेंगे वापस घर। तो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया टूर आज का, छोटा सा दिन था, छोटा सा टूर था, अच्छी आउटिंग होगी, माइंड रिफ्रेश हो गया, रूह रिफ्रेश होगी। तो अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, अगले मिशन पे। सी यू इन द नेक्स्ट मिशन। बाय।